तू रहेगी तो मैं भी रो दूंगा माँ। अरे अरे मैं तो सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ और आप लोग तो मुझे ऐसे देख रहे जैसे मैं किसी युद्ध पर जा रहा हूँ और वापस लौट कर ही नहीं आऊंगा। अरे भैया आप ही बताइए ये सब रो क्यों रहे हैं? कोई रो नहीं रहा है बेटे, सबको फिक्र लगी है कि तू फेल होकर ना। फेल? भैया जहाँ राम का आशीर्वाद हो वहाँ लखन फेल ही नहीं हो सकता और आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। लखन भगवान करे जब तू वापस आए तो तेरे सर पे ये टोपी नहीं पुलिस अफसर की टोपी हो और तू हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पुलिस अफसर बने, मुझसे भी बड़ा। देखा मां? अरे जल्दी करो भाई गाड़ी छूट जाएगी। गाड़ी का वक्त हो गया, चलता हूं मैं। अरे यार अभी राधा को भी मिलने जाना है। तुम जा रहे हो लखन, मेरा क्या होगा? वो दुष्ट लोग मुझे ले जाएंगे लखन। अरे उन्हीं दुष्टों के लिए हथियार बनने तो जा रहा हूं पगली। अगर अगर तुम्हारे पीछे उन्होंने मेरा विवाह कर दिया तो? विवाह? अरे तुम्हारा मेरा विवाह तो हो चुका है। कहाँ? इस जन्म से पहले स्वर्ग में। स्वर्ग में? हाँ स्वर्ग में। देखोगी स्वर्ग? हाँ कहाँ है स्वर्ग? स्वर्ग 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 कहाँ है? स्वर्ग वो रहा स्वर्ग उस चांद में। कुछ दिखाई दे रहा? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा? तुम्हें काम करो चांद की तरफ देखो। अरे मेरी तरफ नहीं चांद की तरफ। अपनी आंखें बंद कर लो और 3 बार ओम बोलो लंबा। ओम ओम जी कहा लगे कि मैं थारी राधा के साथ घूमने जाऊं, तो मैंने देबू जी से कहा नाजीना हमारे खानदान में छोकरी शादी से पहले घूमने ना जाए, तो देबू जी फौरन मान गए। इसको कहते हैं खानदानी शराफत। इंडिया इज ग्रेट। माय नेम इज लखन। पति हो तो बेटा ऐसा हो। जी हाँ पति हो तो ऐसा। श्री राम जी 6 महीने गुजर गए मेरा लखन अभी तक नहीं आया, हमारे प्रेम की लाज रखना। 6 तारीख को भिशंबर और भानु ने देबू की जन्मदिन पार्टी पर तुम्हें और मुझे न्योता दिया है। तुम जाओ मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हें जाना होगा राम, राधा की खातिर। उस बेचारी का कोई नहीं है, लखन भी तो यहाँ नहीं है। क्या कहा? देबू की जन्मदिन की पार्टी में आपने राम को भी बुलाया है? अरे मैंने तो उसकी माँ को भी न्योता भेजा है ताकि आए और अपनी आंखों से देख ले कि कैसे उसकी इज्जत उसका घमंड विशंबर की जूती तले मसला जा रहा है। मैं कुछ समझी नहीं। अरे राधा लखन की लुगाई बनने वाली थी ना? ये तो सारा शहर जानता है। हाँ वही राधा सारे शहर के सामने लखन के नहीं बल्कि देबू के गले में बाहें डालेगी। हा? और रंग परे की वैश्याओं के बीच नाच नचाऊंगा उस हराम की छोरी से। नहीं माँ जी मैं वहां न जाऊं, मैं जहर खा लूंगी मगर वहां हरगिज न जाऊंगी। राधा बेटी औरत का संघर्ष उसके आंसुओं से नहीं उसके निश्चय से होता है। अगर तुम्हारे दिल में सच्चा प्रेम और निश्चय है तो झूठ के पांव टूटते देर नहीं लगेगी। आज जो महफिल जमेगी उसे सारी दुनिया देखेगी। आहा राधा बेटी जो भी गीत गई हो इस घर की और देबू जी की प्रशंसा में गाइयो, समझ गई ना? हाँ जी देख।
इंडिया इज ग्रेट। स्वागतम स्वागतम। नमस्ते। बस हमारी महफिल में चांद और सूरज की कमी थी, वो भी आ गए। देखिए कौन है, राम राम। हो जय हो, धन्य भाग हमारे जो राम जी पधारे। आइए आइए आइए। ये हमारे खास मेहमानों के लिए खास जगह, बैठिए। राधा वो देखो राम आए हैं। भाइयों, अब आपके सामने देवधर शास्त्री की सुपुत्री राधा हमारे बेटे देबू के जन्मदिन के अवसर पर एक रस भरा गीत सुनाएगी। भाई बात यह है कि कुछ लोगों को इसका नाच गाना अच्छा भी लगे और कुछ लोगों को बुरा भी लगे, लेकिन जिन्हें बुरा लगे वो अपनी जगह पर बैठे रहें, उठने की कोशिश ना करें, क्योंकि नाचने गाने वाली वेश्याएं आई हैं तो क्या हुआ, महफिल तो शरीफों की है। भाई राधा गुणवंती उठो, सारी महफिल की नजरें तुम्हारी तरफ लगी हुई हैं, उठो अपना मधुर गीत हमारे सामने आकर शुरू करो। आओ आओ ना। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। जाओ देबू के पास। हेलो मिस्टर विशंबर, वेलकम वेलकम हियर। विविया जी, आपने सर जॉन को हमारी समस्याएं समझा दी है ना? जी हाँ, मैंने सब बता दिया है। और तुमको सजा मिलेगा मैन, क्योंकि तुमने सर जॉन के साथ धंधे में धोखा किया है। धोखा किया है? मैंने नहीं किया सर, शंकर ने किया है। शंकर किसका आदमी था? मेरा। ये वादा किसने किया था? मैंने किया था, तो सजा किसको मिलनी चाहिए? उठाओ इसे, ले जाओ इस लाश। जी आप कहें तो हम बाद में आ जाएं। बाद में हाँ। घबराइए मत, चलिए मेरे साथ। आजा आजा। क्या हाल है भाई विशंबर? विविया जी ने तो आपको सब कुछ बता ही दिया होगा सर। हाल तो पतला है पतला। सर जॉन का कहना है कि राम लखन को खत्म करने से ज्यादा जरूरी है केसरिया विलायती को जेल से छुड़वाना। क्यों? क्योंकि हमारा 26 करोड़ का माल बॉर्डर के उस पार कहां पड़ा है ये सिर्फ केसरिया को ही मालूम है। लेकिन लखन के पुलिस ऑफिसर बन जाने से हमारी अड़चनें बहुत बढ़ गई है सर जॉन। लेकिन हमने तो सुना है कि इंस्पेक्टर लखन आपसे हाथ मिलाना चाहता है। ये सब उसकी चाल है सर। सर जॉन का कहना है कि इन हालात में लखन को अपने कमान का तीर बनाओ, ऐसा तीर जिसके आगे राम भी कुछ ना कर सके। मैं अगर हम खेलेंगे तो वो भी तो खेलेंगे ना सर। खेलने दो खेलने दो, हम बाद में खेलेंगे। वाकई ये आपकी भक्ति है शारदा बहन, क्या आज राम तरक्की पाके सीनियर इंस्पेक्टर बन गया और लखन को राम की कुर्सी मिल गई। सुना है माजी, आप 2 महीने के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही हैं? हाँ गीता, मैंने शिव जी से कामना की थी कि जिस दिन राम लखन मेरे इच्छा अनुसार बन जाएंगे उस दिन मैं अमरनाथ की यात्रा करने जाऊंगी। मैं समझ सकती हूँ माँ जी, आज आपका कितना बड़ा संघर्ष खत्म हुआ होगा। संघर्ष खत्म हुआ है लेकिन युद्ध नहीं, युद्ध तो अभी शुरू होना है। मुझे इस युद्ध में तो जीतना ही है सेठ जी।
जिंदगी में गरीबी बहुत देखी है, बहुत। लेकिन आप लोग मुझे ऐसे छोटे छोटे चॉकलेट के डिब्बे देते रहेंगे तो मेरे गरीबी हटा प्रोग्राम का क्या होगा? अभी रख लो लखन भैया, और एक बार काम तो हो जाने दो, बड़े डब्बे भी भिजवा देंगे। अरे भैया आइए, गेट आउट। भैया आइए। तुम्हें याद दिलाने आया हूँ कि ड्यूटी के बाद माँ को रेलवे स्टेशन छोड़ने जाना। हाँ मालूम है भैया, आप चलिए मैं आता हूँ। तो हम चले? अरे मेरा मतलब है सेठ जी, ये चॉकलेट के डिब्बे को पुलिस स्टेशन थोड़ी लाता है, घर पर बुलाइए, खिलाइए, पेट भर खाएंगे, खूब खाएंगे। और जब आप इसे इतने दिल से लाए तो इसे हमारे दिल के पास ही रहने दीजिए, काम हो जाएगा। जी माय नेम इज लखन। हो गया।